वाले काम बहुत हर समय एज खेलता था, मैं ज्यादा तो शब्द ये जरूर बोल। Hi, very good evening to all. It was a very nice experience working with Sachin ji and respected Hiten ji and Rajpal ji. Appreciate the kind of mind he got it. He created a scene right now. You know, he didn't know about the scene, but he just created something, and that amazing. And Rajpal ji is a very good proof of these all things. So the last I would say, during the film, the many kind of challenges came in front of. Sachin. पर आपकी पहली फिल्म भी दिल्ली बेस्ड थी, ये फिल्म भी दिल्ली बेस्ड है, तो दिल्ली से कोई खास लगाव है क्या आपको? मैं दिल्ली से ही हूँ और लगाव मुझे दिल्ली से भी, और ये फिल्म ज़्यादातर हमारी दिल्ली के बाहर यूपी साइड इटावा में हुई है शूट, हमारी इटावा मेरठ में हुई है। और कहीं ना कहीं जो कहानी थी, कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो दिल्ली और यूपी के हैं, तो इसीलिए उसको माइंड में रख के हमने फिल्म का जो शूट है, जो लोकेशंस हैं, थोड़ा उसको ऑथेंटिक रखने के लिए उसी एरिया में ही शूट किया। राजपाल, बाकी तो सब ठीक है। ये चंबल कहाँ पहुँच गए इश्क करने के लिए आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग कुछ पता नहीं इश्क करने में बिलीव नहीं। चंबल की जरा कुछ वहाँ क्या क्या मस्ती की आपने चंबल के बारे में? मस्ती तो खैर काम में ज़्यादा मस्ती होती है, और हमारे लिए जो कोई लोकेशन होती है और वो जिस सिचुएशन में आती है और उसके पीछे डायरेक्टर का जो इंटरप्रिटेशन होता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी मस्ती होती है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किस लोकेशन पे ले जाया जा रहा है, हमें ये समझ में आता है कि हमारा डायरेक्टर अपने इंटरप्रिटेशन से अपने कैरेक्टरों को कहाँ लेके जा रहा है, और फिर वो जो लोकेशन देता है उसमें जो मस्ती होती है उसमें कोई सस्ती चीज़ नहीं होती। राजपाल, नॉर्मली कॉमेडी फिल्म्स के अंदर दो किरदार के बीच केमिस्ट्री बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो हितेन के साथ केमिस्ट्री के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा था? मैं आपको पहले दिन से ऐसा नहीं लगा कि हमने पहली बार काम किया, और हम जब ये फिल्म समाप्त हुई तो स्पेशली तीन चार एक्टर जो थे और एक्ट्रेसेस थी उसमें, तो ऐसा लगा कि अपन ये काफिला जो है एक फिल्म का नहीं कई सारी फिल्मों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और हितेन जैसा इंसान आज पिछले 10 साल से टीवी इंडस्ट्री के जो एक टॉप 5% में सेवा कर रहा हो, तो एक अपने आप में बहुत डेडिकेशन पैशन उनके बारे में बोलना, वो आप सबने भी उतना ही देखा है। लेकिन जिस तरीके से इतना काम करने के बाद में आप फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म करने के लिए फिल्म की केमिस्ट्री से जुड़ते हो उसमें सब लोग, अब जैसे मुझे 15 साल से लगातार फिल्म करने का सौभाग्य मिल रहा था, और उसमें हम दोनों ऐसे मिले थे, हमारी कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी हुई कि अभी ये फिल्म एक्चुअली सच में शुरुआत है, अभी 2-4 सब्जेक्ट हम लोगों के वहाँ लोकेशन पर ही तैयार हो चुके हैं, जिनको 2 साल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने लुत्फ उठा लिया, उसके बाद इश्क किया है, टाइटल से तो ऐसा लग रहा है। उठाया होता तो आज आप लोगों के साथ में यहाँ पे बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि अतः लुत्फ तो था, इश्क तो था वर्क से, लेकिन लुत्फ जो है आप घुटनों पर पानी क्रॉस करके जब जाते हो पढ़ाई करने के लिए, और आपको 4 महीने बरसात में कोई भी ऐसा साधन ना मिले जिससे आपके कपड़े बचेंगे, और उसमें भी आपको क्या काम, आप पढ़ाई का इश्क है, कुछ काम करने का इश्क है, इश्क कब आएगा पता नहीं, पहले तो ये काम करने का लुत्फ उठा लो, तो वो लुत्फ जो है लुत्फ इश्क में बदलता चला गया। और आज सच में कोई भी काम मिले तो अभी मृदुल जी मिलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि आप या पुन्नू जी मिले कि इश्क हम लोग क्या करते हैं, लुत्फ तो पहले आमने सामने खड़े एक दूसरे के हक करने से लेते हैं, वही लुत्फ जो है इश्क में परिवर्तित हो जाता है।